हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स इन प्लेग्राउंड। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा, तो अभी मैं इसे डिस्कस कर देता हूँ। एक्चुअली आप लोग मैक्सिमम स्टूडेंट्स सही है, ठीक है, बट हो क्या रहा है कि एनसीईआरटी में जो लिख दिया एनटीए उसी को फॉलो करता है, और मैं बोलता भी गलत हो सही हो, बस जो लिख दिया। जैसे क्वेश्चन क्या है, सम डिवाइडिंग सेल एग्जिट द सेल साइकिल एंड इंटर वेजिटेटिव, जो ये एग्जिट है ना, यही एग्जिट में फंसा दिया। इंटर वेजिटेटिव इन एक्टिव स्टेज, दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन टी स्टेज, यू नोट दिस प्रोसेस ऑकर्स एट द एंड ऑफ। तो सब चीज भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। तो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि ये समझ लो, ये एम फेज है, ठीक है। एम फेज में क्या क्या होते हैं, प्रो फेज होते हैं, मेटा फेज होते हैं, एना फेज होते हैं, टीलो फेज होते हैं। एम फेज के बाद फिर आता है हम लोगों का यहाँ से, ये मान लो जीवन फेज है, ठीक है। जीवन फेज के बाद यहाँ से फिर हम लोगों का स्टार्ट होता है एस फेज, और एस फेज से होता है जी टू फेज, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझना। अब होता क्या चाहिए, एक्चुअली हम लोगों के पास तीन तरह के सेल होते हैं, एक परमानेंट सेल होते हैं और एक स्टेबल सेल होते हैं, लेबियल सेल होते हैं, ठीक है। लेबियल सेल में क्या क्या होते हैं, बोन मैरो होते हैं, गट एपिथेलियम होते हैं, स्किन होते हैं, हेयर होते हैं, फॉली सेल होते हैं, जर्म सेल होते हैं। ये जो होते हैं ये एम फेज से डायरेक्टली जीवन फेज में सेल साइकिल की तरफ मूव कर जाते हैं, ठीक है, और फर्दर साइकिल आगे की तरफ चलते रहता है, ठीक है। लेबल सेल, अब होता क्या है कि स्टेबल और क्वेशेंट होते हैं, जिसमें हेपाटोसाइट होते हैं, लिम्फोसाइट होते हैं, पीसीटी पेरियोस्टियल होते हैं। ये क्या होता है कि ये हम लोगों का यहाँ से जीनोट में इंटर कर जाता है, ठीक है। क्या करता है, जीनोट में इंटर करता है, जीनोट सेल में, जीनोट फेज में, और जीनोट से हम लोगों का जीवन में आता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये बहुत सारा एनसीईआरटी भी दिखाऊंगा। अभी मैं यूएस एमिली फर्स्ट एड सत्यनारायण जी बहुत सारा बुक पढ़ा, और अभी सत्यनारायण मिल नहीं रहा मेरे पास, है ना, फर्स्ट ईयर का चीज है वो, तो उसे पीडीएफ से ही पढ़ा मैंने, तो वहाँ से चीज़ें बहुत ही अच्छा क्लियरिटी में लिखा हुआ है। कॉन्सेप्ट पे अगर फोकस करें, मार्क्स एग्जाम सब चीज़ हटा दे, तो ये हो गया जीनोट फेज। जीनोट फेज से हम लोगों का आता है जीवन फेज में, कौन से सेल, स्टेबल और क्वेश्चेंट सेल, ठीक है। और जीनोट से जीवन में आता है तो बहुत ज़्यादा स्टिमुलेशन चाहिए होता है, बहुत कुछ चाहिए होता है, फोर्स वगैरह लगता है, तभी जीवन में आ पाता है, इतना याद रखना, ठीक है। हेपाटोसाइट, लिम्फोसाइट, पीसीटी, और बहुत ऐसे सारे सेल होते हैं जो कि जैसे हो गया न्यूरोन सेल, स्केलेटल सेल, कार्डियक मसल सेल, जो कि एनसीईआरटी में हार्ट सेल करके दे रखा है, और आरबीसी, ये जो है ये कभी जीनोट से जीवन में लौट के ही नहीं आते हैं, ये परमानेंट जीनोट में ही सेटल हो जाते हैं, यहाँ से एम फेज से निकलते ही जीनोट में सेटल हो जाते हैं। अब इसको एनसीईआरटी में पहले ये देख लो, ये यूएसएमएलई का डायग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं करना चाहिए, यहाँ पे देखो एम फेज हो गया, एम फेज से यहाँ से जीनोट फेज, जीवन फेज, एस फेज, जी टू फेज, तो ये क्या होता है, यहाँ पे एम फेज खत्म हो गया, अब यहाँ से जीवन फेज होता है, अब यहीं से एग्जिट कर जाता है। होता क्या है कि एम फेज से जीवन फेज आना है, पर जीवन फेज नहीं आकर के यहाँ से एग्जिट कर जाता है बहुत सारे सेल। अब कौन से सेल एग्जिट करते हैं, वही है हेपाटोसाइट, लिम्फोसाइट, पीसीटी, पेरिस्टियल साइट, और एग्जिट करके फिर एंड में जाते हैं, जीवन सेल में कंबाइन होते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे जो डायरेक्ट एम फेज से जीवन, ठीक है, तो यहाँ से इस जीनोट फेज जीवन से निकलते हैं और यहाँ पे जा करके एंड पे आ जाते हैं जीवन में। बहुत सारे ऐसे सेल होते हैं जो कि डायरेक्ट एम से जीवन आते हैं, बट यहाँ पे चेकिंग होता है, जीवन रिस्ट्रिक्शन पॉइंट, चेक पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर जब तक डीएनए सही नहीं रहता तब तक आगे की तरफ नहीं बढ़ता, ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। पर एनसीईआरटी में वही चीज सारा कुछ लिखा हुआ है, सम सेल्स इन द एडल्ट एनिमल डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिवीजन, एग्जाम्पल हर्ट सेल एंड other cell divides only occasionally as needed to replace the cell that have been lost because of injury or cell death. According to concept, आप लोगों का जो M phase बोल रहे हैं वो सही है, ठीक है। सही तरीका से अगर देखा जाए तो M phase जो बोल रहे हो, जो मैंने अभी समझाया सारा कुछ, कि यहाँ से निकल के जीनोट जाएगा, जीनोट से जीवन, जैसे यहाँ पे देखो ये जीनोट, जीनोट से जीवन, पर याद रखना मेटा फेज के बाद से नहीं हो रहा है, यहाँ जीवन स्टार्ट हो चुका है, यहाँ से इंटरफेज स्टार्ट हो गया, इसे हम लोग इंटरफेज बोलते हैं, ठीक है। इंटरफेज यहाँ से स्टार्ट हो गया और यहीं से एग्जिट करता है, ये मत समझना कि मेटाफेज से डायरेक्ट एग्जिट करके डायरेक्ट वहाँ पे चला जाता है, नहीं नहीं, वहीं से एग्जिट करता है। अब फिर क्या लिखा है, दिस सेल दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट जीवन फेज टू इंटर एंड इनएक्टिव स्टेज कॉल्ड क्वेश्चन जीनोट ऑफ दिस सेल साइकिल, समझ में आया,
ये सारा कुछ। तो यहीं से हम लोगों का एग्जिट जीवन फेज, इसके कारण हम लोगों का आंसर जीवन आना पड़ रहा। अब हो क्या रहा है, अगर एग्जिट नहीं लिखा रहता तो क्वेश्चन जिस तरह से घुमाया उन लोगों ने, दिस प्रोसेस ऑकर्स एट द एंड ऑफ, दिस प्रोसेस ऑकर्स एट द एंड ऑफ, एट द एंड ऑफ मेटाफेज, एग्जिट एट द एंड ऑफ मेटाफेज। पिछले अब एनसीईआरटी में एग्जिट जीवन है तो जीवन देना पड़ेगा। पिछले साल मैंने 3 क्वेश्चन किया था, तीनों में से मिला लड्डू, प्लस एक क्वेश्चन और उन लोगों ने पलट दिया, -20 मार्क्स, मतलब -4 तो हुआ ही, ये 3 कुछ मिला नहीं, प्लस इधर एक और पलट गया, 20 नंबर का घाटा था। इसलिए बोल रहा हूँ कि देखो जो सही चीज है वही है कि वो लोग जीवन को देंगे, और कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, अगर नेक्स्ट ईयर पूछे तो नेक्स्ट ईयर अच्छे से करके आना, ठीक है। और एनसीईआरटी में जो लाइन लिखा है वही बना के आना, एनसीईआरटी भगवद गीता कुरान अरदास सब चीज एनसीईआरटी ही है, बाकी भगवान जाने एनटीए को क्या दिमाग में आता है क्या नहीं आता है, और यहाँ से देख करके जीवन फेज ही वो देगा, ठीक ना, एग्जिट जीवन फेज। बाकी कॉन्सेप्ट आपके सामने, दुनिया में कोई नहीं पलट सकता है ये कॉन्सेप्ट। अगर किसी को अभी भी कन्फ्यूजन होगा, यूएसएमली का बुक से समझा है, ये सारा चेक पॉइंट वगैरह नहीं समझ में आया होगा, तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आई होप आपका एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया होगा कैसे क्या हो रहा। और ये रहा परमानेंट स्टेबल लिएबल सेल, 3 तरह के सेल हैं, कैसे कैसे डिवाइड करते हैं, रिमेनिंग जीनोट रीजेनरेट फ्रॉम स्टेम सेल, जो परमानेंट मैंने बोला उसी में जाके रह जाता है। स्टेबल क्या होता है, इंटर जीवन फ्रॉम जीनोट व्हेन स्टिमुलेटेड, लिएबल नेवर गो टू जीनोट, डिवाइड रैपिडली विथ अ शॉर्ट जीवन, मोस्ट अफेक्टेड बाय कीमोथेरेपी, डायरेक्ट आ जाता है एम्फेस से, डायरेक्ट जीवन में आता और साइकिल अपना चलते रहता, ठीक है। यही था सारा कुछ, और एक बात याद रखना है, यहाँ से आता है एग्जिट जीवन को करता है, ना कि बीच में ही एम मेटाफेस से, सॉरी एम फेस से ही डायरेक्ट जीनोट की ओर निकल जाता, नहीं। 2020 का है ये लेटेस्ट डायग्राम है, लेटेस्ट डिस्कवरी है, अभी भी इस पे बहुत सारा डिस्कवरी चल रहा है कैसे क्या होता है।